तो ओडिसी टेक्नोलॉजीज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 6.24 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये सितंबर 2022 के क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 5.36 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 5.78 करोड़ का इनकम। तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में ओडिसी टेक्नोलॉजीज ने एक बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 5.09 करोड़ का खर्चा किया है, सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 5.1 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 4.56 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 के प्रॉफिट मार्जिन निकल के ये अप्रॉक्सिमेटली 18.42%, सितंबर 2022 के प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सिमेटली 4.86% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सिमेटली 21.11% के आसपास। तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में ओडिसी टेक्नोलॉजीज ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 82.93 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया है, सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 20.57 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 90.88 लाख का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.53 की, सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.13 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.57 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में पॉजिटिव में एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने तीन जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो तीन जगह है ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस की ईपीएस ग्रोथ। अभी ये जो तीन ग्रोथ है ये इंटायरली ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन के अंदर आ रही है एंड एंड ऑफ द डे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन को ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन एंड यहाँ पे चार में से तीन ग्रोथ नेगेटिव में निकल के आ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन के अंदर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे निकल के आ रही है। तो ओडिसी टेक्नोलॉजीज ने दिसंबर 2022 के क्वार्टर में स्लाइटली वीक परफॉर्म की है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।